जोरदार तालियां आपके प्रभु के लिए, यीशु के लिए, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में खुशी है, शांति है, शादमानी है, भलाई है, बेहतरी है। जोरदार तालियां बजाएं, एक बार फिर जोर, पूरी कुवत से, पूरी कुवत से, जोरदार तालियां, यीशु जी के लिए आप बजा रहे हैं, पात्रों के लिए आप बजा रहे हैं, खुदा बाप के लिए आप बजा रहे हैं, थके नहीं, तालियां बजाएं, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, सब तालियां बजाएं, और सब कहे हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, सबको बरकत दे। मसीह यीशु के पास कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्र गुजार हूँ कि खुदा भला है, अजीम है, वफादार है, वो अपने लोगों को संभालता है, वो अपने लोगों को बहाल करता है, वो अपने लोगों को उठाता है, अपने लोगों को मजबूत करता है और अपनी शादमानी अपने लोगों की जिंदगियों में रखता है। आज एक खास ख्याल और सोच के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। आज के दिन को, आज के इतवार को हमने एक नाम दिया है। कितने लोगों को याद है? बुलंद आवाज से बता सकते हैं, वर्शिप संडे। सब मिलकर बता सकते हैं, वर्शिप संडे। वर्शिप संडे। वर्शिप के लिए उर्दू लफ्ज जो है वो है प्रस्तश। हम सब प्रस्तुति के लिए जमा हुए हैं, हालांकि हर द्वार हम प्रस्तुति ही करते हैं, लेकिन आज एक ख्याल के साथ, एक सोच के साथ हम यहाँ मौजूद हैं कि हम जो है वर्शिप के बारे में, प्रस्तुति के बारे में जाने, सीखें और समझें। किसी भी इतवार को कोई खास नाम जो कलीसिया की तरफ से दिया जाता है, तो उस दिन हम उसकी बाबत बेहतर और अच्छे तरीके से जान सकते हैं, वरना हमारे मैसेज जो है वो जनरल मैसेज होते हैं, वो ही जो हम हमेशा दोहराते हैं। प्रस्तुति के बारे में जब हम लव प्रस्तुति की बात करते हैं, तो प्रस्तुति के मायने क्या है, किसके दिन में कोई भी बता सकता है? बेनेस्ट कह रही है इबादत करना, बेडरूम कह रही है हम दो सना करना, खुदा की ताजीम करना। मुबशर फाकिद बता रहे हैं जी, और कोई? ये मेरी मुझ तक आवाज नहीं पहुंची आपकी। खुदा की तारीफ करना जी, और किसी के जेन में हो? ये ऊपर वाले हजरात भी जी। प्रस्तुति के मैनी जो है, अगर हम लुगत को उठाएं तो उसके मैनी है पूजा करना, अबादत करना, हम करना, तमजीद करना, स्ताइश करना, मदसराई करना, उसके नाम को वडियाना। और इन तमाम जो बातें हैं, जब हम इन पर गौर करते हैं, तो इसके जो मैनी हमारे सामने आते हैं वो ये हैं, खुदावन की अबादत करना। प्रस्तुति के एक बहुत बड़े मैनी और भी जो है लुगत के मुताबिक सजदा करने के भी हैं। ये सब मैनी जो है, इन पर गौर किया जाए तो ये महज गीत गाना या उसके हजूर में गजल गाना, जबूर गाना ही नहीं, बल्कि जबूर गाना, गीत गाना, रूहानी गजलें गाना और साथ साथ खुदा की हजूरी में सजदा करना, साथ साथ खुदा की हजूरी में उसकी हम करना, उसकी स्ताइश करना,
और खुशी से उसकी जय जय करना ये सब प्रस्तुत के जुमरे में आता है और इसको हम ये कहेंगे प्रस्तुत सिर्फ और सिर्फ गाने का हम करने का नाम नहीं बल्कि पूरी आबादत जो उसमें हम कर रहे हैं ये हम सब प्रस्तुत की कर रहे होते हैं। अगर कोई शख्स गा नहीं सकता, उसका गला इतना अच्छा नहीं, वो हम तो सुना नहीं क्वाइट के साथ जिस तरह उन्होंने उनको खुदा ने ब्लेस किया है, एक अच्छी आवाज के साथ गा नहीं सकता, अगर वो उनके साथ सरनगू हो गया, सजदे की हालत में चला गया है, तो वो भी प्रस्तुति की हालत में है, वो भी प्रस्ताव है, वो भी खुदा का खुदा के हजूर में उसकी स्ताइश और जो है उसकी तमजीद करने वाला है। प्रस्तुत के लिए अक्सर इस हवाले को हम हमेशा अपने सामने रखते हैं। यूहन्ना की इंजील में जब हम आते हैं उसके चौथे बाब में तो उसकी 33वीं आयत, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी प्रस्तुति उसके परस्तार जो है रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। ये वो कलमात हैं जो हमारे मसीहा ने अर्शाद फरमाए हैं, ये वो बातें हैं जो एक औरत के साथ सामने औरत के साथ हो रही हैं, और ये वो बात है जिसको अक्सर प्रस्तुत के मौका पर बयान किया जाता है, या दूसरा हवाला जो प्रस्तुत के हवाले से यशुआ की किताब से यशुआ के तलक से कहा जाता है, वो कहता है के रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तुति करेंगे। प्रस्तुति हर शख्स के लिए जरूरी है, हर जिंदगी जो है उसके लिए जरूरी है कि वो प्रस्तुति करे। उर्दू तर्जमा में जो हमें एक बड़ा लफ्ज मिला है वो प्रस्तुति का मिला है। असल लैंग्वेज में अगर हम अब्रानी की तरफ निकले जिसमें बाइबल लिखी गई है, अब्रानी यूनानी में कुछ सहीफे जो हैं अरामी में मिले हैं, तो अब्रानी की जब हम बात करते हैं तो इसमें वो लफ्ज जिनका उर्दू तर्जमा हम तो सना मदसराई तमजीद स्ताइश और प्रस्तुत किया गया है, उन अल्फाज पर आज हम गौर करेंगे। जब उन अल्फाज पर हम ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि हम प्रस्तुत के मफहूम को और बेहतर जान सकेंगे, हम प्रस्तुत के इस मैसेज को इस सबक को जो हम सीख रहे हैं इसको बेहतर और अच्छे तरीके से जानकर हम अपने खुदा की हकीकी प्रस्तुति करेंगे। अच्छे प्रस्ताव रूह से सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले बन जाएंगे, रूह और सच्चाई से उसकी इबादत और उसकी तमजीद करने वाले बन जाएंगे जब हम असल लैंग्वेज की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब हम अब्रानी की तरफ निकलते हैं असल लैंग्वेज की तरफ, तो इसके लिए प्रस्तुत के लिए एक बहुत जबरदस्त लफ्ज जो है वो हमारे सामने आते हैं हलल, और ये लफ्ज जो है कोई 80 मर्तबा आया है। हलल हलल एक ऐसा लफ्ज है जो प्रस्तुत के मफहूम को
हमारे सामने पेश करता है और लफ्ज हलल जो अब्रानी का है इसके मैनी जो बनते हैं वो है नारा लगाना, खुशी से शोर मचाना, जश्न मनाना, शान बयान करना। हलल लफ्ज जो है इसके मैनी है नारा लगाना, खुशी से शोर मचाना, जश्न मनाना और शान बयान करना। कोई भी शख्स जब खुशी में होता है तो अक्सर नारे जो है उसकी जबान पर आते हैं, वो खुदावन्द की हम नारे लगाते हुए करना शुरू करता है। और मैं ये कहता हूँ या मेरे दिल में है ये बात के अगर कोई शख्स हालेलुया का नारा ही लगा देता है तो वो उसका परस्तार है। क्यों? इसलिए कि उसने हलल में खुदा की स्ताइश और तमजीद की है, उसने हलल प्रस्तुति को अपनी जिंदगी में लिया है। और अगर कोई शख्स जमायत में है और वो खुदा की कुदरत को उसके किसी बड़े मौजज़े को देखता है और उस मौजज़े को उस बरकत को जो उसने पाई है या दूसरे की जिंदगी में देखी है उसको देखकर वो खुशी से शोर मचाना शुरू कर देता है तो ये भी प्रस्तुति के जुमरे में आता है। उसका खुशी से शोर मचाना ये हलल करना है और ये हलल प्रस्तुति में वो खुदा की तमजीद कर रहा है और खुदा की हम कर रहा है। और अगर कोई शख्स जो है वो जश्न मनाने जैसे अंदाज में खुदा की स्ताइश करता है, जश्न कभी आपने देखा है कोई जश्न, जश्न के बारे में किसी जश्न में आपने शिरकत की हो? पीछे से कोई कोई किसी वक्त किसी जश्न में शरीक हुआ हो? अच्छा जी, चले मैं आपको एक बात बताता हूं। जश्न आजादी 14 अगस्त कितने लोगों ने इसमें कभी शिरकत की है? ये जश्न होता है, ये आजादी का जश्न है जिसमें आप शरीक हुए हैं। दिन ब दिन मुल्क के हालात बल्कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी ने जो जोर पकड़ा है इस सबब से वो हालात नहीं रहे। मेरी सभा छोटी सी थी, उसने जिद की, कहने लगी कि हम भी ये जो जश्न है इसमें शरीक होना चाहते हैं। मैंने उसे बड़ा मना किया, वो नहीं रुकी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उसे जो है वो रात के वक्त 14 अगस्त को मैं बाहर आ गया। जब ये ठंडी सड़क जानते हैं आप लोग, उस वक्त ये सारा खुला हुआ था, अभी तो आप उसमें सफर नहीं कर सकते। इस पर हम गए, इतनी दुनिया, इतने लोग थे, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल था। एक दूसरे पर सब जो है ना वो शोर मचा रहे हैं, पता नहीं की करी जा रहे हैं, लोगों के हाथ में बिगले हैं और वो बुझा रहे हैं, कोई शोर मचा रहा है, कोई दूसरे पर गिर रहा है, कोई नारे लगा रहा है और किसी की समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या कर रहा है। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हलल खुदा उनकी स्ताइश के लिए हम आते हैं, हलल करने के लिए आते हैं, जश्न मनाने के लिए आते हैं। और ये आज का दिन जिसको हम इतवार कहते हैं, संडे कहते हैं,
ये दिन तो है ही जश्न मनाने का। क्यों? इसलिए कि इस दिन हमारे खुदावंद ने मौत और कब्र पर फतह पाई है, इसलिए हर इतवार हम सब के लिए हलल मनाने का दिन है। हर संडे को हमें हलल मनाना है, हलल करना है और हलल प्रस्तुत को खुदावंद के हजूर में पेश करना है, जश्न मनाते हुए कि प्रभु जिंदा हो गया है, तमजीद करते हुए कि उसने कब्र के सीने को चाक कर दिया है और उसके नाम को गुड़ियाते हुए कि उसने मुकम्मल तौर पर अबलीस के सर को कुचल दिया है। ये हलल प्रस्तुत है। काश उसके लोग हलल प्रस्तुत करें। और उसकी अगला जो इसके मैनी है, शान बयान करना, इस दिन में वो खुदा उनकी स्ताइश करे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मसीहों के लिए हर दिन जो निकलता है वो हलल मनाने के लिए होता है, ना सब संडे। बल्कि मेरे ईमान में अगर पादरी साहब मुतफिक हों, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ने, अरे तो मैं ये ईमान में इस कदर आगे हूं कि हर दिन मसीहों का हलल मनाने का है जी। पादरियों हरे जमायत तो फिर जोरदार तालियां बजा दें, हमारे लिए हर दिन हलल मनाने का है और खुदा की तस्वीर और खुदा की स्पाइश और खुदा की तमजीद और भ्रष्ट करने का है। इसके लिए जो दूसरा लफ्ज है हलवी, और ये हलल ही से अखज किया गया है। हलवी जो है ये हलल से अखज किया गया है और हलवी के मैनी है स्पाइश करना, फसल काटने और फसल जमा करने की शुक्रगुजारी का जश्न। जापानी सेल काउंट फसल जमा करती थी तो उस मौका पर वो जब जमा होते थे तो उस प्रस्तुत को वो हलवी प्रस्तुत कहते थे। यानी ये शुक्रगुजारी है कि उसने हमें बरकत दी है। काश हम में से हर कोई जब उसे उसकी पे मिलती है तो वो हलवी प्रस्तुत में निकल जाए। जब उसे उसकी तनख्वाह मिलती है तो वो बेदिल ना हो, इन्ने कुने दूध वाले ने ला जाने ने, ऐ जड़े ने ना उन्हें बिजली वाले ने ला जाने ने, ऐ जड़े ने गैस वाले चले जाने ने, या कई और बिल जो है हमारे सामने आ रहे होते हैं और फिर उन सब बिल को पे करने के बाद फिर हम सोच रहे होते हैं राशन की तो आना है। काश उसकी छोटी तनख्वाह हो या बड़ी तनख्वाह हो, उसकी आमदनी ज्यादा है या थोड़ी है, उसकी आमदनी इस लायक है कि वो जो है इस महंगाई का सामना कर सके, या उसकी आमदनी इस लायक है कि वो महंगाई का सामना ना कर पाए। जो ही उसको फसल जमा करने का मौका मिले, जब उसकी जिंदगी में ये मौका आए कि वो अपनी पे उठाए, तो वो हलवी प्रस्तुत में खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करे। काश हलवी प्रस्तुत कलीसिया में आ जाए और वो बेदिली की हालत से निकल जाए, वो जो है ऐसी हालत से, गम की हालत से निकल जाए, परेशानी की हालत से निकल जाए। काश वो हलवी प्रस्तुत में खुदा की इस कदर तमजीद करने वाले हों कि वो थोड़ा जो उन्हें मिल जाए उसमें वो खुदा की स्ताइश और उसका जश्न मनाने वाले हों और उसकी तमजीद करें। हलवी प्रस्तुत उस वक्त की जाती थी या उस वक्त वो इस प्रस्तुत को जो नाम देते थे फसल जमा करने की मौका पर, वो
جو شکر گزاری ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ شکر گزاری جو ان کی زندگی میں آتی تھی اس کو حلوی پرستش کہا جاتا تھا آج بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں حلوی پرستش ہو تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے شباک شباک لفظ جو ہے یہ بھی حلل اور حلوی کے نزدیک ہی ہے اور یہ شباک لفظ جو ہے اس کے معنی ہے فتح کا نعرہ زور زور سے چلا کر نعرے لگانا شباک اس کے معنی ہے فتح کا نعرہ یہ اکثر ہم جب کر رہے ہوتے ہیں فتح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں بولو یسوع مسیح کی جائے تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں فتح کے نعرے کو لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم اصل میں شباک پرستش میں اترتے ہوتے ہیں اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں شباک پرستش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم یسوع کے فتح کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں یہ شباک پرستش ہے یہ بھی عبادت ہے جب آپ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے اور کاش اس کے لوگ عبادت میں نعرہ لگانا نہ بھولے اس کی شباک پرستش کرنا ہرگز نہ بھولے شباک پرستش زبردست پرستش شباک پرستش اس وقت ہوتی ہے جب اندر آپ کی زندگی میں خوشی اور جوش جو ہے وہ نظر آتا ہے شباک پرستش اس وقت ہوتی ہے جب آپ پورے دل سے خدا پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ خوشی سے ہر بات کو بھول کر کہتے ہیں یسوع مسیح کی بولو یسوع مسیح کی یسوع مسیح کی اور پھر آپ کی زندگی سے نعرے بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ خوشی سے ہیلیلویہ کے بھی نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص ایک عبادت میں تھا اور اس عبادت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو جو ہے پاسٹر صاحب نے دیکھا اس دن ان کا سینئر پاسٹر بھی آیا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف بھی دیکھتا ہے اس کی طرف بھی دیکھتا ہے اور بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ کیا کیا جائے یہ جو جماعت میں شخص ہے انو نعرے لگانے کی بیماری ہے کیا ہوگا بشپ صاحب تو ناراض ہو جائیں گے یہ سینئر جو ہے کیا کروں وہ اس شخص کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ دیکھ تیری جتی ٹوٹی ہوئی ہے نوی جتی لے کے داں گا نعرہ نہیں تو لگانا کہتا چلو ٹھیک ہے مان گیا جب خدا کے خادم نے کلام سنانا شروع کیا اور وہ کلام کی باتیں اس کی زندگی میں اس کے دل کو ٹچ کر رہی تھی روحانی طور پر کلام کی باتیں اس کے اندر جوش مار رہی تھی اور جب وہ بڑا پرجوش ہوا تو وہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے جوتی ملے نہ ملے ہاللویا یہ ہے شباب پرستش یہ ہے خدا کے حضور میں اندرونی خوشی اور اس فتح کا اظہار شباب پرستش میں خدا کی حضوری میں کرنا آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے آپ خدا کی ستائش اور اس کی تمجید کرتے رہیں اور کبھی نہ گھبرائیں کیونکہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے ایک اور لفظ ہے ٹوڈا ٹوڈا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے شکر گزاری اور تعریف اور ستائش کے لیے ہاتھ اٹھانا
Word of Prestige. Shukr Guzari me. Stais me. Hunt me. Apne Khuda ki huzuri me. Haath uthana. Hum aksar apne haathon ko Khuda ki huzuri me uthate hain. Aksar presider ye keh raha hota hai apne haath Khuda ki huzuri me uthaye. जब वो ये कह रहा होता है तो वो असल में वो ये चाहता है कि हम टोटल प्रस्तुत की तरफ निकल जाएं. कोई शख्स जब अपने खुदा की हजूरी में अपने हाथों को उठाता है तो वो बेशक नहीं समझता लेकिन ये फक्त खुदा की हजूरी में हाथ उठा देना ही प्रस्तुत है. ये इबादत का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये वो हिस्सा है, ये वो बात है जिसको कलीसिया ना समझी की हालत में कर रही है. जब हम हाथ उठाते हैं तो इस बात को समझे, जब दो मुल्कों की जंग हो रही होती है तो एक मुल्क की फौज दूसरे पर गालिब आ जाती है तो वो जो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं उनको कहा जाता है हैंड्स ऑफ, और वो अपने हथियारों को फेंक कर अपने हाथों को बुलंद कर देते हैं. और यूं ही वो अपने हाथों को बुलंद करते हैं उन पर कोई फायर नहीं होता, उन पर कोई जंग का असर नहीं होता, वो अमन की हालत में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तापे कर दिया है, उनके हाथ में अपने आप को दे दिया है. इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में अपने हाथों को उठाते हैं तो हम खुदा की हजूरी में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को तापे कर देते हैं, उसकी हजूरी में उसे पेश कर देते हैं. और ये इस बात का ऐलान है, इजहार है कि तू ही खुदावंद है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूं, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करता हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को छोटा बनाता हूं, मैं अपनी मैं को अपने गरूर को घमंड को तेरे ताबे करता हूं, हैंड्स अप कर देता है. और जो ही वो शख्स अपने हाथों को खुदा की हजूरी में उठाता है तो खुदा की अलाही बरकत उसकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है. ये है खाकसारी की हालत में आकर खुदा की प्रस्तुत करना, ये है खुदा की हजूरी में अपने आप को टोड़ा प्रस्तुत में खुदा की तमजीद करने के लिए पेश करना. ये हाथ उठाना मामूली बात नहीं है. यही आप हाथ उठाते हैं तो आप प्रस्तुत की हालत में होते हैं, अबादत की हालत में होते हैं, ताबेदारी की हालत में होते हैं. काश कलीसिया में टोडा प्रस्तुत जो है वो पूरे दिल से की जाए. यहाँ प्रेसिडेंट बार बार कहता है हाथ उठाए, हमारे हाथ ही नहीं उठते क्योंकि साड़ी गर्दन सरिया में आ गया. हम तो ताबेदारी की हालत में जाना ही नहीं चाहते, इसलिए ये मुश्किल हो जाता है और हम खुदा की हजूरी में उस तरह से उस बरकत को हासिल नहीं करते. टोडा प्रस्तुत हमारी जिंदगी में से बिल्कुल खत्म हो गई है या बहुत कम है. अगली बात जो है, एक और लफ्ज जो है यादा, ये लफ्ज जो है ये है, इसके मैनी है शुक्रगुजारी में हाथ फैलाना. शुक्रगुजारी में हाथ फैलाना, खुदा का शुक्र करता हूं मसीही कलीसिया के लिए, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती. और मुझे इस बात पर अफसोस है कि इन्होंने कभी खुदा के सामने भी हाथ नहीं फैलाया.
ये दुआ के इंदाद में भी आते हैं, दुआ के लिए आते हैं कि कभी खुदा के हुजूर में हाथ नहीं फैले, जो है हाथों को जो है बड़ी अकल उनकी जिंदगी में देखी जाए। काश हम गैर कौमों से कुछ सीखें, जब वो दुआ करते हैं तो उनके हाथ खुदा की हजूरी में फैले। मसीही कौम का अफसोस, कलीसिया पर अफसोस है कि ये हाथ फैलाने वाले लोग नहीं, ये तो खुदा की हजूरी में भी अकड़ कर बैठने वाले लोग। और ये नफ़्स जो है, इस बात को याद रखें, यादा प्रस्तुत जो है ये शुक्रगुजारी में खुदा के हजूर में हाथों को फैलाने का नाम है। और कोई शख्स जब किसी के सामने हाथ फैलाता है उनकी हालत होती है। कई दफा मुझे तजर्बा हुआ है, किसी से कुछ पैसे कर्ज मांगने होते हैं ना, तो बहुत मुझे मुश्किल लगती है इनकी में काम की कहिए, कैसे हम इसे करेंगे। एक शर्मिंदगी, एक नदामत हमारी जिंदगी में होती है। और उसी तरह से जिस तरह हम इंसान के सामने हाथ फैलाते हुए एक नदामत महसूस करते हैं, लेकिन अफसोस है कि खुदा के लोग उसके हुजूर में भी हाथ फैलाते हुए शायद ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन याद रहे, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। इसलिए खुदा के हजूर में यूं करते हुए ना शर्माए, इसलिए खुदा के हजूर में यादा प्रस्तुत में वक्त गुजारे, खुदा के हजूर में यादा प्रस्तुत किया करे। जब आप खुदा के हजूर मांगने की गरज से आए हैं, दुआ की गरज से आए हैं, तो जरूर अपने हाथों को खुदा उनके हजूर में फैलाए और ये साबित करे कि मुझे तेरे फजल की जरूरत है, मुझे तेरे करम की जरूरत है, मुझे तेरे रहम की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ये जब हाथ फैलते हैं तो इस बात का निशान है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तेरे ही हुजूर से मेरी जरूरतें पूरी होंगी और मेरे सारे काम तेरे हुजूर से मुकम्मल होंगे। यादा प्रस्तुत हाथ फैलाकर खुदा के हुजूर में, खुदा की हुजूरी में आना ये नहायत जरूरी है। और मेरी दुआ है आज जितने लोग मुझे इस दफा इस मौका पर सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग में सुने, उन सब के लिए मेरी दुआ है और हाजिर जमात के लिए कि काश ये यादा प्रस्तुत में खुदा को याद करने वाले हों, ये वो लोग हों जो खुदा की हजूरी में काम अज काम जरूर हाथ फैलाए और उससे मांगे। और मैं ईमान से आपको कहता हूँ, जितने आप मुझे सुन रहे हैं, आप खुदा की हजूरी में हाथ फैला कर तो देखें, वो आप पर करम कर देगा, वो आप पर रहम कर देगा, वो आपके हाथों पर अपना हाथ रख देगा और उसकी मुट्ठी आसमान से आपके लिए खुलेगी और आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आप खुदा उनके हुजूर में यादा प्रस्तुत के लिए जरूर अपने आप को पेश करें। एक और नफ़्स जो है उस पर हम बात करेंगे, बराक लफ्ज़ है, बराक जिसके मैनी है जिस्म का पूरा झुक जाना, सजदा करना। बराक
प्रस्तुत कलीसिया में से बिल्कुल खत्म। हम सजदे की हालत में जाते ही नहीं है, हमें शर्मगु होने की आदत ही नहीं है, हम खुदा के हजूर में झुकने वाले है ही नहीं है, हम क्योंकि हम तो क्रिश्चियन हैं। अरे सैयानों की दौड़े भाई हरगज नहीं। काश मसीही दुनिया में उसके लोग सजदे की हालत में चले जाए, और यूं ही वो सजदे की हालत में जाते हैं बराबर प्रस्तुत में वो खुदा की स्तुतिश करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को खुदा की हुजूरी में शर्मगु होना जो है हम सबों के लिए जरूरी है। हमें जरूरत है कि हम शर्मगु होकर खुदा की प्रस्तुति करें। हम दुआ कर रहे होते हैं सजदा तो कहीं हम सर भी झुकाना पसंद नहीं करते। हमें जरूरत है कि बराक प्रस्तुति में खुदा को सजदे करते हुए खुदा उनकी स्ताइश और उसकी तमजीद करें, और उसके पाक नाम का हमेशा जो है जो बुजुर्ग नाम है नवाज करें और उसकी तमजीद करें। एक और लफ्ज है जिसको हम अपने सामने रखने को है, वो है रूआ प्रस्तस। रूआ प्रस्तस इसके मायने है कान फाड़ देने वाली प्रस्तस। इस कदर से जोर जोर से नारे लगाना कि दूसरा जो है वो अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाए। इस कदर बेदरेग अपने गले को खुदावन के हजूर में खोलना, बुलंद आवाज से खुदावन की स्ताइश करना, नारे लगाना। जब हम इस बात को सीखते हैं तो रूआ प्रस्तुत जो है इसको जो है यरु की दीवारें कैसे गिरी थी रूआ प्रस्तुत के वसीला से। यरु के गेट उन्होंने पहले दिन एक चक्कर लगाया है, दूसरे दिन भी एक लगाकर बैठ गए, सातवें दिन के लिए कहा था कि सात चक्कर लगाने, और सातवें चक्कर पर तुमने तलवारें नहीं खींची, तुमने हथौड़े निकाल कर द्वार को तोड़ना नहीं शुरू करना, कोई गंदे बेलचे की जरूरत नहीं है, कोई जो है उसमें बम फिट कर कर उसे तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। खुदा ने कहा था कि तुमने यूं करना है, रूआ प्रस्तुत को जारी करना है। कौन सी प्रस्तुत? रूआ प्रस्तुत। रूआ प्रस्तुत के मायने ये हैं कि ऐसे जोर जोर से चला चला कर नारे लगाना कि दूसरे के कान जो है वो फट जाए, या ऐसी प्रस्तुत महसूस हो कि दूसरा अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर हो जाए। इन्हीं दिनों में कल या परसों मैं जो है वो देख रहा था गार्डन एजिक टीवी पर, तो ये जो क्या कहना चाहिए यीशुआ की यरु के गिर जो उन्होंने चक्कर लगाए थे और दोबारे गिरी थी उस पे फिल्म चल रही थी, और जब उन्होंने उसमें प्रस्तुत करना शुरू की, रूआ प्रस्तुत करनी शुरू की, तो अंदर जो लोग थे शहर के अंदर मजबूत दीवारों के अंदर मैंने देखा कि उन्होंने अपने कानों पर हाथ रखने शुरू कर दिए। वो इस कदर जोर जोर से चीख चीख कर पूरी ताकत से जो है रूआ प्रस्तुत कर रहे थे, और यूं ही उन्होंने रूआ प्रस्तुत को जारी किया, यरु की दीवारों ने गिरना शुरू कर दिया। यरु की दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं, हर तरह की दीवारें गिर जाएंगी,
हर तरह के बंधन खुल जाएंगे, हर तरह के जो मंसूबे अब्लीस के आपके खिलाफ हैं वो जाते रहेंगे। रूह प्रस्तुत को तो अपनी जिंदगी में लेकर देखें, अब तो प्रस्तुत करते हुए अपने गले की का ख्याल कर रहे थे, अब बाजी साहब का जाना है, आज ही पता नहीं क्यों डर रहे होते हैं, कहना मेरा तो गला ही खराब है, दो नारे मारा फिर मैं 5 दिन दवाई लेनी पड़ी है। और आप अगर प्रैक्टिस में आ जाएंगे रूह प्रस्तुत में तो फिर जैसे जुए टूटेंगे आपको समझ नहीं लगेगी। मुझे याद आता है मेरा छोटा भाई एक पंजाब में है, तो काफ़ी साल पहले की बात है, उनकी अचानक आंखें बंद हो गई। अच्छा भला नॉर्मल शख्स बिल्कुल देख नहीं सकता। जब मुझे पता चला क्वेटा में, तो मैं बहुत परेशान था उसके लिए, और वो चाह रहा था कि क्वेटा आ जाए। मैंने कहा यार क्वेटा में तो कोई इतना बेहतर शहर में डॉक्टर ना मिल सके, प्लान करते हैं आप थोड़ा सा रख के हम कराची जाने का सोचते हैं। मंसूबा बनाया, उसको मैंने कहा कि कराची पहुंचो, यहाँ से मैं भी कराची पहुंच गया। जब कराची पहुंचे, कराची में हमारा एक छोटा भाई है, चाचा साहब भाई है, और वो भी पास्टर है, और उनकी कलीसिया बड़ी मजबूत कलीसिया है, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, और उनकी रोज़ इबादत होती है। तो साथ साथ हमने प्लान शुरू किया कि से चेकअप करवाएं, किसी को मिला जाए, और शाम को रोज़ इबादत होती थी। इबादत में हमने कलाम सुनाना शुरू कर दिया, रोज़ मुझे मैसेज का मौका मिल जाता था। और ये मेरा भाई जो है वो बड़ी अच्छी अच्छा गला इसे खुदा ने दिया, वो बड़ी अच्छी प्रस्तुत करते हैं, वो भी हमारे साथ होता था। एक दिन हमने प्लान किया हुआ था अगले दिन आगा खान से हमें जो है वो जो है क्या टाइम मिल गया, और हमने सुबह उसको लेके जाना था। शाम को इबादत हो रही थी और ये रूह प्रस्तुत पर हम बात कर रहे थे, यरू की दीवारें कैसे गिर गई रूह प्रस्तुत के वसीला से, और ये सारी बातें हमने करके कि किस तरह से यीशुआ ने कहा ललकारो, और कलीसिया ने जो है ललकारना शुरू किया। इसी तरह से करते करते मैंने कहा कि आज जिस तरह से यरूशलेम की दीवारें गिरी उसी तरह से आज हम इस चर्च में करने को है, और बहुत सारी दीवारें गिर जाएंगी, आप परेशान ना हो, घबराए नहीं। और जब हमने वहाँ जो है कहा कि इस तरह से होगा कि वो मेरा भाई जो देख नहीं सकता था, मैंने कहा कि ये यीशुओं की जगह पे होगा, ये कहेगा ललकारो, और मैं खुदा का खादम हूँ, और मेरे साथ दूसरे पास्टर थे, हमने कहा कि हम नरसिंगे फूकेंगे। आपने एकदम से उसको कहा कि आपने कहना है ललकारो, और कलीसिया को कहा आपने कहना है हालेलुया हालेलुया, और बुलंद आवाज से रूह प्रस्तुत में आपने निकलना है। और ये प्लान हो गया और इस पर हमने अमल करना शुरू किया। मैंने नरसिंगे फूकने शुरू किए, छोटे भाई ने जिसको नजर नहीं आता था वो उधर स्टेज पर खड़ा था, और उसने कहा ललकारो, कलीसिया ने ललकारना शुरू कर दिया, और हालेलुया के इस कदम नारे बुलंद हुए, समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने को है। और ये शख्स जो यहाँ खड़ा ये कह रहा था, उसने ललकारो ललकारो ललकारो, और वो थोड़ी देर के बाद जो है ललकारो की बजाय उसने कहना शुरू किया, मैं देख सकता हूँ मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं, लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे, सब ललकारते चले जा रहे थे, हालेलुया के नारे बुलंद हो रहे थे, रूह प्रस्तुत जो है वो जारी हो चुकी थी, और रूह प्रस्तुत में और भी जमायत में से बहुत से लोगों के जुए खुलने शुरू हो गए, बहुत सारे लोग जो किडनी के मरीज थे, बहुत सारे लोग जो जिगर के मरीज थे, बहुत सारे लोग जो बदरू गिरफ्तार थे वो आजाद हो रहे हैं। और शुक्र हो इस कलीसिया के लिए, उनके मुंह में नारे थे और वो कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था, वो सब के सब रूह प्रस्तुत में लगे हुए थे, और रूह प्रस्तुत के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होता है।
हम क्या कर रहे हैं, हम रुआ प्रस्तस को अपनी जिंदगी में पूरे तौर से नहीं लेते। हम जब नारे भी लगाने होते हैं कहते चले कौन ये लगा लेगा मेरी खैर है, और हम परेशानी की आदत में होते हैं। रुआ प्रस्तस बंधनों को तोड़ देती है, रुआ प्रस्तस यरू की दीवारों को गिरा देती है, रुआ प्रस्तस बंद आंखों को खोल देती है, रुआ प्रस्तस जिगर के मरीजों को शफा बख्श देती है। कोई तो रुआ प्रस्तस में उतरे, हम रुआ प्रस्तस की तरफ इस तरह से जाते नहीं, हम तो दरेक के साथ खुदा की तमजीद और खुदा की साइश करने वाले लोग हैं। एक और लफ्ज जो है उस पर हम गौर करेंगे, क्वाइट मेहरबानी से अपनी पोजीशन में आने शुरू कर दें। एक और लफ्ज है टेढ़ा प्रस्तस। ये टेढ़ा प्रस्तस जो है इसके लिए एक यशवा की किताब में बहुत बड़ा दर्स हमारे सामने आता है। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब 21वीं आयत 20वें बाब को अगर आप शुरू से पढ़ें तो आपको ज्यादा समझ आएगी। यूसुफ के दौर में एक जंग का समय है और बनी इसराइल कौम अपने आप को बहुत कमजोर समझ रही है और दुश्मन ने उन पर चढ़ाई की हुई है और घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है, और खुदा का कलाम मिला है और खुदा के कलाम जो मिला है उन्होंने कहा तुम चुपचाप खुदा की कुदरत को देखो, ये जंग खुदा की है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ना तलवार उठाने की जरूरत है, ना भाला उठाने की जरूरत है और ना ही किसी तरद्दत की जरूरत है, ये जंग खुदा जीतेगा। जंग का प्लान यशवा को जो दिया गया वो मुख्तलिफ था, लेकिन यहाँ जो दिया जाता है युस्फत को वो थोड़ा मुख्तलिफ दिया जाता है। युस्फत को कहा जाता है कि तू ऐसा करना है कि कुछ ऐसे लोग जो बड़े उसने तकद्दस से खुदा की स्ताइश करे उनको जमा कर दे। उसने तकद्दस से जैसे ये चर्च की क्वायर है इनके लिए तालियां बजा दे। खुदा की स्ताइश करते हैं उनको जमा कर ले, उनको चुन ले, उनको अलग कर ले। जिस तरह चर्च की तरफ से कोशिश की जाती है कि वो चंद लोग जो है जो बेहतर और अच्छे तरीके से कुछ सीखे भी होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं उनको चर्च जो है वो सामने लाता है कि वो खुदा की स्ताइश और प्रस्तुत में मदद करें, और इन लोगों की तरह उन लोगों को चुन लें और वो बड़े उसने तकद्दस के साथ। अभी मेरी बात जरूर सुने, वो लोग जो है बड़े उसने तकद्दस से खुदा की प्रस्तुत करना शुरू करें और जो ही वो बड़े उसने तकद्दस के साथ खुदा की प्रस्तुत करें दुश्मन की फौजें खुद वाप जाएंगी। बार दफा तो हमें रुआ प्रस्तुत में उतर कर खुदा की मौजूदात को लेना होता है और कई दफा हम ये समझते खुदा का तरीका ही है। खुदा बहुत तरीकों के साथ काम कर सकते हैं, आपकी सोच में जो बात है फक्त उसी तरह से वो काम नहीं कर सकता, या एक दो बातें जो आपके जहन में है कि ऐसा कर सकता है ऐसा कर सकता है, वो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, उसके ख्याल बहुत सारे ख्याल हैं और उसके प्रोग्राम अनगिनत हैं हम सबों को बरकत देने के लिए, शायद हम उनको जानते भी नहीं। और रुआ प्रस्तुत बड़े उसमें तकद्दस के साथ खुदा की प्रस्तुत की जाए, और यूं ही यूसुफ को ये कहा गया कि वो बड़े उसमें तकद्दस के साथ सुर लय में खुदा की तमजीद करें तो दुश्मन की फौजें भाग जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। यूसुफ ने कुछ लोगों को चुन लिया जो बड़े उसमें तकद्दस के साथ खुदा की प्रस्तुत करने वाले थे
और उन्होंने जब खुदा की स्ताइश की प्रस्तुति की जब उन्होंने हम करना शुरू की और बड़े वो रूम में और बड़े दिल के साथ जब वो खुदा की प्रस्तुति करना शुरू करते हैं तो दुश्मन की फौजों ने भागना शुरू कर दिया, दुश्मन की फौजों ने खुद अपनी शिकस्त को मान लिया, उन्होंने मैदान को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। जब बड़े हुस्न तकद्दस के साथ उसके लोग बड़े दिल के साथ रूम में खुदा की तमजीद करते हैं, मौजज़ा होना शुरू हो जाती है, बरकत मिलनी शुरू हो जाती है, कुव्वत मिलनी शुरू हो जाती है और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। जरूरत यह है कि हम प्रस्तुति को समझें, उनके मैनी हमारी जिंदगी में होंगे और ये पहला प्रस्तुति जो है इससे हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम रूह प्रस्तुति की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, हलन मनाने की कोशिश करेंगे।